वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टोनिक 1.0। आज के इस डीआईवाई में हम मोल्डेड क्ले से शिवलिंग बनाएंगे। महाशिवरात्रि आने वाली है तो मैंने सोचा कि आज ये छोटा डीआईवाई हम बनाएंगे। ये मिनीचर शिवलिंग हम बनाएंगे मोल्डेड क्ले से। इसके ऊपर हम बैक फ्लो धूप लगाएंगे जिससे कि ये हमारा डीआईवाई बहुत ही सुंदर दिखे। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने पहले एक छोटा कार्डबोर्ड पीस लिया था। मैंने इस शिवलिंग को थोड़ी हाइट देने के हिसाब से एक कार्डबोर्ड पीस लिया और उसका रोल बना दिया और उसको स्क्वायर कार्डबोर्ड पीस के ऊपर स्टिक कर दिया। अभी हम मैंने इस शिवलिंग को हाइट देने के लिए एक छोटा कार्डबोर्ड पीस लिया और उसको रोल कर दिया और स्टिक कर दिया। अभी हमें एक मेटल वायर लेना है। मेटल वायर को हम थोड़ा फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर मास्किंग टेप लगा के उसको हम स्टैंड करने के लिए कार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे। मैंने ये पहले फेविकॉल से स्टिक किया। अभी इसको हम मोल्डेड क्ले से सिक्योर करने के लिए उसके एंड पॉइंट पे लगाएंगे और अभी मोल्डेड क्ले से ही हम शिवलिंग बनाना शुरू करेंगे। मैंने पहले एक राउंड बना दिया और उसको शिवलिंग की तरह शेप दे दिया। अभी उसके ऊपर हमें थोड़ा उसको हाईलाइट करना है तो मैंने एक मोल्डेड क्ले का रोल बना दिया और उसके बाजू में उसको हाईलाइट कर दिया। अभी हमें एक छोटी मटकी बनानी है तो मैंने एक छोटा मोल्डेड क्ले का डो ले लिया और उसको कुछ भी नुकीली चीज़ से आप उसके अंदर होल करके उसको शेप दे सकते हैं। तो मैंने स्केच पेन की मदद से उसको शेप दे दिया। अभी हमें ऊपर की तरफ से भी एक छोटा होल करना है जिस पे हम ये हमारा धूप लगा सकते हैं। तो मैंने पहले थोड़ा मोल्डेड क्ले को ड्राई होने दिया, उसको सेट होने दिया और उसके बाद मैंने ऊपर से उसको छोटा सा होल बना दिया जिस धूप को जलने के लिए उसका बैक फ्लो इफ़ेक्ट आने के लिए हमें नीचे की तरफ ओपन रखना है। तो मटकी को हमें उस तरह से ओपन होल बनाना है। अभी मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर मोल्डेड क्ले के छोटे छोटे स्टोन्स बना दिए और स्टिक करना शुरू कर दिया। अभी इसके ऊपर हम फूल पत्ते या बाकी ग्रीन ग्रास ऐसे कुछ लगा सकते हैं। आपके पास रेडीमेड ग्रास रहेगा तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेपर ग्रास बनाया और पेपर के फूल बनाए हैं। अभी मैंने शिवलिंग को कलर करना शुरू कर दिया। ब्लैक कलर से मैंने पूरा शिवलिंग अच्छी तरह से पेंट कर दिया। मैंने उसके ऊपर छोटू सा नाग बनाया है तो वो मैंने येलो कलर से कलर कर दिया और शिवलिंग के बाजू में मैंने गोल्डन कलर से हाईलाइट उसको कर दिया। अभी ग्लू की मदद से हमें उसको स्टिक करना है। तो मैंने स्टिक करने के बाद मटकी को भी कलर करना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा गोल्डन लुक उसको देने के लिए पेंट करना शुरू कर दिया। इस मटकी को भी हम फेविकॉल की मदद से स्टिक करेंगे। मैंने नीचे की तरफ जो स्टोन्स किए थे उसको ब्लू कलर दे दिया ताकि वो थोड़ा वाटरी इफेक्ट दे सके। अभी हमारा ये आज का डीआईवाई कंप्लीट हो गया है। आपने देखा कि शिवलिंग अच्छी तरह से बन गया है। अभी इसमें हम धूप लगा के देखते हैं और ये इसका फाइनल लुक धूप लगाने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि ऊपर से दूध की धारा बह रही है शिवलिंग के ऊपर। आपको ये आज का डीआईवाई आइडिया कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताना। हमारा ये मिनिएचर शिवलिंग आज रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।